खत्मी मर्तबा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये शाह फरमाते हैं कि मन करा फजीलता अली इब्न अबी तालिब कि अगर कोई शख्स अली की किसी फजीलत को तिलावत करे या कहे अली की किसी फलत को कहे अब आप ज़रा गौर कीजिए कि इंसान के जवारे के अतबार से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फजाल का अकरार करके बयान कर सकती हैं है। अगर कोई शख्स अपनी ज़ुबान से अमीर कायनात की फजीलत को बयान करे और लोगों के सामने कहे मुकर्रम बेफलहा इस बात का इकरार करते हुए कि अली के अंदर ये फजीलतें मौजूद हैं गफ़रल्ला हो परवरदिगार आलम उसकी मफफरत कर देगा किस चीज़ की मफ़रत करेगा उन गुनाहों की कि जो माजी में किए हैं और तोफ़ी देगा कि अगले गुनाह ना करे यानी जबान से सिर्फ ये पाकिज़ा तरीन ज़िक्र अलीबनबी तालिब का अगर कोई करता है तो इस जुबान से किए हुए जिक्र पर परदगार आलम यह तोफ़ी देता है कि माकबल गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है और तौफीक देता है कि आगे भी गुना न करे रिवायत का जुमला तो अजीब है कि गफ़र अल्लाह हो मा तकदमा व मा तखर कि जो पहले उसने किया उसे भी माफ़ कर देता है जो बाद में करेगा उसे भी माफ़ कर देगा लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि अली के चाहने और मानने वाले को लाइसेंस मिल जाए जब किसी ने सवाल किया मौला कि ये जो जुमला है वमा ताखर के बाद में भी जुना गुनाह करेगा ज़िंदगी के अंदर खुदा माफ़ कर देगा क्या मतलब है का अगर रोज़े क़यामत अक़ीद अली इब्न नबी तालिब के साथ खुदा की बारगाह में आएगा वला वाह अगर इस तरीके से मरा कि खुदा की बारगाह में पहुँचा बेजुनूब का इनात के गुनाहों को भी लेकर पहुँचा लेकिन दिल में मोहब्बत अली इब्न नबी तालिब की खुदा माफ़ कर देगा कि दिल में मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब थी जानबूझ करना करें और उसके बाद ये तो कहने की बात हुई कि अगर कोई शख्स मन का तब अली इब्ने अबी तालिब, कि अगर कोई शख्स अली के फजाइल को लिखना शुरू कर दे अली के फजाइल को लिखने की कोशिश करे गफर अल्लाह तो परवरदिगार मफफरत करेगा किस चीज की मफफरत करेगा उसके गुनाहों की मफफरत करेगा किसके जरिए से करेगा मलायका से कहेगा कि इसके लिए मफफरत करते रहो जब तक वर्क पर और कागज पर उसकी लिखाई बाकी रहेगी अली की फजीलत का कोई जुज बाकी रहेगा मलायका उसके लिए इस्तार करते रहेंगे मलाया उसके लिए इस्तार करते रहेंगे एक बोलने की बात कि जब कहा तुमने अपनी जुबान से तुम्हारे को ना माफ हो गए तुमने लिखा जब तक वो लिखाई तहरीर की सूरत के अंदर बाकी है खुदा मलाया से कहेगा इस्तफार करो और फिर कहा कि अगर कोई शख्स अली के फजाइल की किताब को देखना चाहे अली के फजाइल को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दे पर दिगार आलम उन गुनाहों को माफ़ कर देगा जो उसने आंखों से अंजाम दिए हैं आप जरा गौर कीजिए किसी भी किताब को उठा लीजिए नाम अली जिब नबी तालिब लिखा होगा अली का जिक्र उसमें लिखा हो अली के फ़जाइल लिखे हो तहरीर को आप पढ़ रहे हैं लज्ज़त अलग ले रहे हैं गुनाह अलग माफ़ करवा रहे हैं कि आँखों से अगर कोई शख्स अली के फ़ज़ाइल को देखता है मन नजरा अला फ़जाइल इब्न अबी तालिब अगर कोई शख्स नजर करे उन अली इब्न अभी तालिब की जानब परवरदिगार आलम उसके उन गुनाहों को माफ़ कर देगा एक बिन नगर कि जिसको उसने आंखों से कमाया होगा जिन गुनाहों को उसने आंखों से अंजाम दिया होगा और फिर कहा कि अगर कोई शख्स मनसम फ़गा जबन अब तालिब अगर कोई शख्स अपने कानों से अली के फजाइल को सुने खुदा उन गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है जो कानों से अंजाम दिया करते हैं कितनी गिबतें अंजाम देते हैं मौसी की कितने सुनते हैं ला उबाली तौर पर मैं नहीं कहूँगा खुदा ना खास्ता मोमिन से मैं ये गुमान नहीं कर सकता कि वो जानबूझ करीबत करेगा मोमिन से मैं ये गुमान नहीं कर सकता कि वो जान बूझ कर मौसीकी को सुनेगा लेकिन बाज़ोकात इंसान लाओबाली तौर पर लाशरी तौर पर खुशहाली के अंदर कि आज तो ख़ुशी का दिन है आज तो हो सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता लेकिन अगर हो गया तो अली जिब अभी तालिब का जिक्र ऐसा है कि अली का जिक्र वो है कि जो कानों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करता है